चलती एक बार सीएनजी भराने के बाद कम से कम 300 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो हमारा, हमने 18 किलो का सीएनजी का सिलेंडर लगवाया था। तो हमारे कई भाई की कमेंट आ रही थी कि भाई आपने जो सिलेंडर लगाया है वो कैसा चल रहा है और ये इसकी स्टेपनी कैसे लिख लेगी, आपने लगा तो लिया सिलेंडर, अब स्टेपनी कैसे निकालोगे। तो भाई मैं आपको सब दिखाऊंगा आज की वीडियो में कि कैसा चल रहा है सिलेंडर, ये भी बताऊंगा और स्टेपनी भी निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं अब जो फिटिंग हो गई है सिलेंडर की, तो कंपनी जैसी हो गई है। आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल कंपनी जैसी फिटिंग हो गई है। तो दोस्तों, ये जो सिलेंडर मैंने लगवाया था ये मायापुरी से लगवाया था, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सिलेंडर निकला, ये नए जैसा है, आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल। और अपना सिलेंडर देने के बाद मैंने 14,000 रुपये उसे और दिए और ये सिलेंडर सेट हो गया। इसमें बिल्कुल कोई भी शिकायत नहीं है सिलेंडर में, बिल्कुल काफ़ी बढ़िया गाड़ी चल रही है। चलती एक बार सीएनजी भराने के बाद कम से कम 300 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। अगर आपका 200 का प्रेशर है तो इसमें 12 केजी सीएनजी आ जाएगी और काफ़ी बढ़िया चल रहा है ये सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक मुझे। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर। तो ये जो नीचे टायर इसका नीचे होता है, आप सामने देख सकते हैं जो स्टेपनी होती है, ये नीचे लगी है स्टेपनी। तो भाई हम इसे कैसे खोलेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे पास ये पाना है, ये इसका जो नट होता है यहाँ पर, ये इसमें लग जाएगा, यहाँ पर ये लग गया, देखो लग गया। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो नट, ये जो नीचे की स्टेपनी खोलने के लिए ये सामने नट दिया गया है सामने, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है ये नट में ये पाना लग जाएगा ऐसे करके, और आप आराम से इसे खोल सकते हैं इस वाले रेंज से। तो आपकी स्टेपनी जो है वो नीचे ऐसे खुल जाएगा ये इधर को, और 3-4 बार ऐसे खोलेंगे स्टेपनी आपकी नीचे पहुंच जाएगी, आप आराम से स्टेपनी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसे कस देता हूं। तो स्टेपनी खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से आप स्टेपनी खोल सकते हैं 18 केजी का सिलेंडर लगाने के बाद। और काफ़ी बढ़िया सिलेंडर है ये, लगाने के बाद टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। एक बार भरवाओ, कहीं भी जाओ आप 300 किलोमीटर तक, उसके बाद आप सीएनजी भरवाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्टिगा में जो लंबे रूट पर चलने के लिए यही सिलेंडर कामयाब है, आप चाहें तो लगवा सकते हैं, नहीं चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं लगवा सकते। और जो नई गाड़ी है उसमें आप अभी मत लगवाना, क्योंकि थोड़ा पुराने हो जाएगी, क्योंकि नई गाड़ी में लगवाओगे तो आपकी गारंटी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए आप नई गाड़ी में मत लगवाना। थोड़ा जब गारंटी से निकल जाए गाड़ी उसके बाद लगवा सकते हैं। कोई भी काटा पीटी नहीं हुई है मेरी गाड़ी में, देखो बिल्कुल आराम से आ गया, आराम से सेट हो गया ये सिलेंडर, और मुझे अब काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी मिल गया है। और पहले मैंने जो डबल सिलेंडर लगा रखा था उससे मेरी सारी जगह घिर गई थी, वो वाला मैंने उतार कर फेंक दिया, इसलिए ये देखिए आप, ये निशान भी आ गए सीटों पे। ये डबल सिलेंडर लगाया था मैंने, इसलिए आए हैं ये निशान। तो अब मैंने ये सिंगल लगाया 18 केजी का, इससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही अच्छे से मेरी गाड़ी काफ़ी लंबे रोड पर चलती है। मैंने 18 किलो का लगाया है, आप भी अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं, कोई भी शिकायत नहीं है सिलेंडर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर देना कि ताकि उनके भी पता चले कि 18 केजी का अर्टिगा में सिलेंडर लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो भाई आज के लिए इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।